हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और होम स्टाइल कुकिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बारबेक्यू स्टाइल गार्लिक शेजवान प्रॉन्स कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये एकदम झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है और खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है। और ये रेसिपी आज की हम बनाएंगे तवे पे। तो चलिए आज की हमारी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बारबेक्यू स्टाइल शेजवान गार्लिक प्रॉन्स। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे प्रॉन्स को अच्छे से साफ करके लिए और उसके अंदर जो ब्लैक कलर का दोरा होता है वो भी मैंने निकाल दिया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून पीसा हुआ गार्लिक और ये है 1 टेबलस्पून शेजवान चटनी। तो ये चटनी हमने घर पे ही बनाई थी और इसके रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और साथ ही मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून सोया सॉस, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 नींबू का रस, स्वादानुसार नमक, कॉर्नस्टार्च डालूंगी 1 टेबलस्पून। और अब इन सारी चीज़ों को प्रॉन्स में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मैं हल्के हाथ से इसमें ये सब मिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए साइड में रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रॉन्स मैरिनेट हो गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो अब मैं इसे ये स्टिक में डाल देती हूँ। तो फिलहाल मैं 1 स्टिक में डाल देती हूँ, बाद में मैं दूसरी 1 स्टिक इसमें सपोर्ट के लिए लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने 4 प्रॉन्स इसमें लगा दिए हैं। अब मैं इस पे दूसरी स्टिक लेके ऐसे डाल दूंगी। तो ये देखिए, 2 स्टिक लगाने के बाद अपने प्रॉन्स अच्छे से फिट हो गए हैं। तो अब मैं इसे एक प्लेट में साइड में रख देती हूँ और इसी प्रकार अपनी बाकी की स्टिक्स तैयार कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारे प्रॉन्स स्टिक में भर दिए। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर हल्का सा कॉर्नस्टार्च स्प्रिंकल करूँगी ताकि अपने प्रॉन्स जो है वो पैन में चिपके नहीं। और अब मैं इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तेल पैन में गरम करने के लिए रख दिया था और तेल अपना अच्छे से गरम भी हो गया है। तो ये जो हमारे स्टिक है ये हम इसमें ऐसे उल्टे डालेंगे क्योंकि हमें दूसरे साइड पे भी थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च स्प्रिंकल करना है। और अब मैं इसके ऊपर से भी कॉर्नस्टार्च थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर देती हूँ ताकि जब हम ये पलट देंगे तो वो दूसरे साइड से भी चिपकेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये प्रॉन्स अपने एक साइड से अच्छे से हो गए हैं, ये देखिए। तो अब हम इन्हें पलट देते हैं और वैसे भी प्रॉन्स को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अब दूसरे साइड से भी हमें इसे अच्छे से पकने देना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पे अपनी प्रॉन्स जो है वो दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गए। तो अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पे अपने बारबेक्यू स्टाइल शेजवान गार्लिक प्रॉन्स बिल्कुल तैयार है। तो आप इसे खाने के साथ भी ले सकते हो या तो फिर एज अ स्टार्टर भी ले सकते हो। तो आप ये मेरी आज की रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करके देखिए और मुझे कॉमेंट करना मत भूलना। तो चलिए, अब हम फिर से मिलेंगे अपने एक नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू।